मसीह समाज ने अपने घर में ही मनाया ईस्टर। समाज के लोगों ने घरों से ही अपने पूर्वजों को किया याद। आज मसीह समाज का सबसे महत्वपूर्ण दिन ईस्टर है। माना जाता है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जन्म लिया था। गुड फ्राइडे को जैसे प्रभु यीशु ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तब से लेकर आज तक मसीह समाज के लोग काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और समाज के लोग चर्च में प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते सभी धार्मिक स्थलों में आम जनता का प्रवेश बंद है और सभी धर्म स्थलों पर धर्म गुरु द्वारा ही आरती या फिर पूजा की जा रही है। इसलिए आज सभी चर्चों में फादर के द्वारा प्रार्थना की गई, जिसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया गया। गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक चली सभी प्रार्थना का सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया गया। माना जाता है कि ईस्टर पर मसीह समाज के लोग कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन लोगों ने आज अपने घरों से ही अपने पूर्वजों को याद किया और प्रोजेक्टर पर तस्वीर खोलकर सच्चे मन से फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। आज ईस्टर है और ये ईस्टर हम सभी ईसाई भाई बहनों के लिए, क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। बड़ा दिन से भी बड़ा त्यौहार ये हमारे लिए माना जाता है, क्योंकि आज के दिन प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे। हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। ये पीछे तीन दिन जो हमारे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और आज का दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे। लेकिन फिर भी हमारे सभी क्रिश्चियन भाई बहनों ने अपने घरों में रह करके इन सभी त्योहारों को मनाया है, क्योंकि जो वायरस का प्रकट चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण हमारे देश के अंदर जो खलबली मची है और जो आदेश मिले हैं प्रधानमंत्री के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा कि हमें अपने घरों में रहना है, तो उसका पालना करते हुए हम सभी अपने अपने घरों में रहे हैं। और हमारे सभी क्रिश्चियन भाई बहनों ने इन सभी त्योहारों को अपने घर में ही रहकर मनाया है। विशेष करके हम जैसे कहें कि बृहस्पतिवार, जो कि जिस दिन अंतिम बियारू या फिर लास्ट सफ़र की रस्म हुई और पैर धोने की रस्म हुई, वो अपने लोगों ने घर पर ही, जैसे पिता ने अपने बच्चों के पैर धोए या फिर हस्बैंड वाइफ ने अपने एक दूसरे के पैर धो करके वो रस्मों को अदा की और उसको ज़िंदा रखा, उसी प्रकार से जो आज का ईस्टर का जो त्यौहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत पौलुस अपने पत्रों में लिखते हैं कि अगर ईसा मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा विश्वास अधूरा रहता, और ये त्यौहार इसीलिए महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए। हम सभी क्रिश्चियन भाई बहनों ने इसे अपने घरों में रहकर मनाया है। हम लोगों ने प्रार्थना की है हमारे देश के लिए और जो वायरस फैला है कि वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसके लिए भी हमने प्रार्थना की है। जो पुलिस वाले, डॉक्टर लगे हुए, हाँ, जो लोग विशेष करके जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, विशेष करके प्रार्थना उन्हीं के लिए, जो पुलिस वाले हैं बेचारे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, और डॉक्टर्स हैं और जो भी मेडिकल कर्मचारी हैं, वे सभी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनके साथ रहें, ईश्वर उनके साथ रहे और उनको धैर्य दें, शक्ति दें, ताकि जो कार्य वो कर रहे हैं ईमानदारी से करते रहें और प्रभु उनके साथ रहें, उनको ये बीमारी से बचाए रखें उनको भी। आज कब्रिस्तान में भी आज के दिन भी लोग कब्रिस्तान जाते हैं क्योंकि अपने पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कोई भी कब्रिस्तान या फिर घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपने ही घरों के अंदर उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया, प्रार्थना की है। आज इस तरह है कि लोगों ने अपने घरों में इस तरह मनाया, लॉकडाउन के चलते हुए इस तरह मनाया। आइए, इस फैमिली है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं किस तरह से आपने इस तरह मनाया। हाँ बताइए, लॉकडाउन है तो किस तरह से अपना लॉकडाउन की पालना करी और इस तरह मनाया? जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम चर्च नहीं जा सकते क्योंकि सब बंद है, और राजस्थान में धारा 144 लगी, तो हमने घर पे ऑनलाइन प्रोजेक्टर पे मास देखा और यहीं से घर से मिसा बलिदान अटेंड किया। और आज जैसे मतलब हम हर टाइम ईस्टर के दिन कब्रिस्तान जाते हैं हमारे पुण्यों की कब्रों पर फूल वूल चढ़ाने, तो आज हम जैसे नहीं जा सकते तो हमने घर से ही उन वो सब फूल चढ़ाने का करा कार्यक्रम। और आज ईस्टर है जिस दिन प्रभु येसु 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठते हैं। गुड फ्राइडे को हमारे पापों की वजह से जब वो दफनाए जाते हैं, उसके बाद 3 दिन बाद वो वापस पुनरुत्थान करते हैं और हम लोगों के लिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से गुजार सके और बिना पापों के। कब्रिस्तान में जाके अपने बुजुर्गों को इनको याद करा जाता है। आइए हमारे साथ इनसे बात करते हैं किस तरह से आज कब्रिस्तान में आप जा नहीं पाए लॉकडाउन के चलते हुए, तो आज घर पे किस तरह से लॉकडाउन के बाद घर में ईस्टर मनाया है? हाँ बताइए। सबसे पहले सबको हैप्पी ईस्टर। आज लॉकडाउन की वजह से हम चर्चेस में वगैरह नहीं जा पाए, मगर
टेक्नोलॉजी के तहत 147 बिशप ने जो मिसा बलिदान कराया और पूरे देश के लिए प्रेयर करी, हमने भी उसी ऑनलाइन मिसा बलिदान में सहभाग लेके हमने पहले तो प्रेयर करी सबके लिए, और हमेशा हम पूर्वजों के कब्र पे जाके फूल और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। मगर आज जा नहीं सके तो हम घर से ही, कोई बात नहीं, दिल से प्रे करना था तो घर पे ही प्रोजेक्टर पे हमने मान लिया कि हम वहाँ तक पहुँच गए और घर से ही प्रे कर रहे हैं। किस तरह से फूल और ये? हमने घर पे ही फूल चढ़ाए, मोमबत्तियाँ जलाई और प्रेयर करी, स्पेशली ये कोरोना सबसे बचाव हो जाए, कोरोना से सबको बचाव हो जाए इस वजह से। ये थे इस्टर मनाए इन्हें कि घर पे ही प्रोजेक्टर वगैरह लगा के फोटोग्राफ के जरिए इन्हें फूल वगैरह चढ़ाए गए। हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़, अजमेर।